कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सेना ने एयर यूजी असॉल्ट राइफल बरामद की है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गुरुवार को मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सेना के जवानों द्वारा ऑस्ट्रिया में बनी एयर यूजी असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। एयर यूजी असॉल्ट राइफल बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बरामद, युद्ध जैसे सामान और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद किया। सूत्रों ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं में एयर यूजी भी शामिल है। आतंकवादी पहले से ही अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन राइफलों का उपयोग कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र और कश्मीर दोनों में मारे गए आतंकवादियों से इसे बरामद भी किया गया था। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, M4 का इस्तेमाल ज्यादातर शीर्ष कमांडरों और जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये राइफलें काफी ज्यादा एडवांस हैं और इनमें रात में देखने वाले उपकरण होते हैं। पूर्व जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान की ISI को नार्को व्यापार के माध्यम से बहुत पैसा मिलता है। वे इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल के लिए हथियार खरीदने के लिए कर रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। बता दें कि एयर यूजी को एक मॉड्यूलर हथियार प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे जल्दी से एक असॉल्ट राइफल, एक कार्बाइन, एक सबन मशीन गन और एक ओपन वोल्ट लाइट मशीन गन के रूप में कॉन्फिगर किया जाता है। इसका डिजाइन इसे बेहद घातक बनाता है, क्योंकि इसे विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलित किया जा सकता है। इसका उपयोग करना आसान है और इसकी मारक क्षमता भी अधिक होती है, जिससे यह आतंकियों के लिए एक प्रभावी हथियार बन जाता है।